आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन समाज, अहिंसा मार्ग कबूल नगर शाहदरा दिल्ली। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। महावीर के मूंगा पंडित मूरत मांगे हारी, महावीर के मूंगा पंडित मूरत मांगे हारी, कलसा धारो रे कलसा धारो रे, धारो के मिले सब भारी, कलसा धारो रे धारो रे, मिले सब भारी, धारो रे थोड़ा 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 थोड़ा
मुकेश चिट्ठी देने वाले हैं क्या? बोले के करते सुन चले भागे थोड़ा थोड़ा नीचे बिछे के लिए नीचे बिछे के लिए नीरज भाई आओ नीरज जी एक मिनट रुक जाइए और हमारे बीच में भाई बबलू जी रंजू जी वो भी बहुत पुराने सामग्री बनाने पूर्ण व्यवस्था देखने में उनका बहुत योगदान हमारे लिए रहता है तो उनका भी समाज यहाँ पर स्वागत कर अपने आप को प्रकार महसूस करें श्री सभी नम नमो सभी सभी नम नमो महुर सभी
कीन महानुसानं नमो बढ़मानं नमो सिद्धाय दानं नमो भैवतो महति महावीर बढ़मान बुद्धिरी सिनो चेदी ओम श्रीम 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 अरमाजना व्याद नमो देखे मेरो दत्की भागे दरक्षे त्रियारे खंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते कपुर नगरे श्री वीर निर्माण संवत 2547 भाद्र मासे शुक्ल पक्षी चतुर्थी तिथियों श्री पार्श्वनाथ जिनाले श्री विनोद प्रसाद जैन नीमी चंद जैन श्री नीरज जैन सुनील जैन सचिन जैन अंकुश जैन नितिन जैन पांडु शिलापर श्री सुनील जैन बेटवाले श्री रविशंकर राजीव जैन गौरव जैन रचना जैन मनीष जैन लव कुमार सुमन जैन विनोद कुमार जैन नीरज जैन प्रवीण जैन मंत्री जी और भी कोई लाभ है तो मुझे बताओ। चलो सबका और समस्त जैन समाज समस्त अभिषेक करने वाले समस्त पूजा करने वाले समस्त जैन समाज को सबको शांति प्रदान करे सबकी जीवन मंगल में रहे सबको रतंत्र की प्राप्ति हो सबकी निरोगी काया रहे सबको सदबुद्धि प्रदान करे जय शांति करो तो मंगलम करो तू नीति सहा जय शांति करो तो मंगलम करो तू नीति सहा जय शांति करो तो मंगलम करो तू नीति सहा संबोधिताने तो आ जाते हैं
नहीं तो उनके पता नहीं मन में रहते हैं, दुकान में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, भगवान रहते हैं लेकिन उनके मन में, इसीलिए तो आ जा गए, ऐसा ना हो भगवान हमें भूल गए हो। तो उन्होंने भी याद दिलाना है भगवान को, हम हैं भगवान जी, अभी कृपा रखियो हमारे ऊपर। भैया पंडित जी जरा बैठ जाओ तुम, कोई बीच में खड़ा ना हो, इधर आओ तुम दूसरी तरफ, ये लड़का पीछे चलो जाओ, उधर चलो जाओ। तो दशलक्षण धर्म ये श्रवण धर्म है, और पंडित जी आज यहाँ आए हैं, बहुत ज्ञानी है, पंच कल्याणक में भी मैंने इनको देखा, द्वारका में पंच कल्याणक कराया था, और ये आज जो विधान कर रहे हैं तीन लोक विधान, ये हमारी जो ज्ञानमती माता जी है ना, ये दार्शनिक है। दार्शनिक जानते हैं किसे कहते हैं? कौन बताएगा दार्शनिक कौन होता है? अरे वो तो बताओ, दार्शनिक उसे कहते हैं जो नई नई खोज करता रहता है, इंग्लिश में उसे फिलोसफर कहते हैं, इंग्लिश में उसे फिलोसफर कहते हैं। तो ये तीन लोक विधान जो है वो ज्ञानमती माता जी ने उसका प्रतिपादन किया है। उनकी सोच बहुत ऊंची है, वो नई नई खोज करती रहती है, इसलिए मैंने उनको दार्शनिक कहा है। ये विधान उसी में है। क्या कहा है तीन लोक में? हम जब भगवान को नमस्कार करते हैं क्या बोलते हैं? वही विधान में है जो मैं कह रहा हूँ, उसी का विधान है। 7,72,00,000 सब हाथ जोड़ लेंगे, 7,72,00,000 पाताल विसर्जन मंदिर जानो, मध्य लोक में 458 व्यंतर ज्योतिष के अधिकानो, 84,97,23 सूरज लोक बखानो, एक एक में प्रतिमा 108 नमो कर जोड़ त्रिकाल से। ये हमें प्रतिदिन भगवान को नमस्कार करते हुए बोलना चाहिए। अब ये आया है कि ये कृत्रिम है, जिनाले तो यहाँ मध्यलोक में है, कृत्रिम जिनाले कैसे बने हैं, कृत्रिम जिनाले का निर्माण कैसे हुआ है? क्योंकि भूमि में या व्यंतर देवों में, भवन वासी में, ज्योतिष देवों में, स्वर्गों में, नवग्रह में, नौ अनुदिश में, पांच अनुत्तर में, कृत्रिम चैतालय कैसे बने हैं, कैसे भगवान वहां आए हैं? तो ये बतलाया है कि वहां रत्न होते हैं, वहां रत्न होते हैं, और वे रत्न ही किसी समय में प्रतिमा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए उनकी हम पूजा करते हैं। हम तो वहां जा नहीं सकते, लेकिन यही बैठे बैठे हम उनको वंदना पूजा नमस्कार करना चाहिए। जो ऐसे नमस्कार करता है, एक दिन वो वहां पर उन चैतालों की साक्षात वंदना भी करता है। ऐसी भावना हमें नित्य प्रति भानी चाहिए। दशलक्षण धर्म क्या है? उत्तम क्षमा मार्गवाच सत्य सुख संयम तत्यागा किंचन धर्म चले दशलक्षण धर्माय अर्थम निर्वामिते। तो इसमें ये चूंकि आज से शुरू हो रहा है दशलक्षण धर्म 10 दिन पूरा करने के लिए, लेकिन 17 तारीख को एकादशी और द्वादशी दोनों होंगी। तो उस दिन दो पूजाएं, उत्तम तप और उत्तम त्याग की। इन 10 धर्मों के पहले उत्तम शब्द क्यों लगाया गया है? उत्तम शब्द किसके लिए लगा? तो सर्वश्रेष्ठ उत्तम शब्द किसके लिए लगता है? सर्वश्रेष्ठ। तो इनसे बड़ा धर्म कोई नहीं है, इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये नहीं कि बस एक दिन किया और निमट गया खेल। उत्तम क्षमा क्यों कहा है? किससे क्षमा मांग रहे हो? कौन है वो ऐसा जीव जिससे आप क्षमा मांग रहे हो? सबसे बड़े अपराधी तो हम स्वयं हैं। हमें अपनी आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों मांगनी चाहिए? हमें इस समय इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान दिया है कि कम से कम आत्मा को हम जान तो सकें।
और नहीं तो हम आत्मा को कहां कहां लिए फिरे, 84 लाख योनियों में लिए फिरे। एक बार भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि इस आत्मा को हम सही जगह मुक्ति क्षेत्र में पहुंचा दें। क्यों नहीं किया? काय में उलझे हुए हो तो हमें उस आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए। हे आत्मा, मैं तुझे कहां कहां लिए फिरा, इस शरीर के कारण, इस भोग विलास के कारण है, इन परिग्रह के कारण मैं कहां कहां लेता फिरा। अपने शरीर को तो बहुत सजाया मैंने, कभी आत्मा को नहीं सजाया, आत्मा को नहीं जाना, भटकता फिरा। इसलिए हे आत्मा, तू मुझे क्षमा कर, मुझे ऐसा ज्ञान दे, ऐसा वरदान दे कि अब मैं तुझे ऐसे भटकने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले तो उस आत्मा से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। संसार में कोई भी जीव ऐसा ना हो जो हमें लगे ये हमारा शत्रु है, वो सबसे बड़ी क्षमा है। तीर्थंकर क्या करते हैं, उनको संसार में कोई भी जीव शत्रु नजर ही नहीं आता, केवल उनको 8 कर्म ही शत्रु हैं, 4 घातीय कर्म, 4 अघातीय कर्म। घातीय कर्म क्यों करते कहते हैं, वो आत्मा का घात करते रहते हैं, मोहिनी, ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी और अंतराय, ये आत्मा का घात करते रहते हैं। 12वें गुणस्थान के अंत में जब इनका नाश हो जाता है, मोहिनी कर्म का 10वें गुणस्थान के अंत में नाश हो जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, अरहंत भगवान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अरहंत भगवान। क्यों अरहंत कहा उनको, अरि माने होता है शत्रु, और हंत जिन्होंने उन शत्रुओं का, 4 घात्या कर्म रूपी शत्रुओं का नाश कर दिया, वो होते हैं अरहंत। अरहंत सब होते हैं लेकिन तीर्थंकर कुछ ही 24 ही होते हैं। अरहंत सब होते हैं, सबका ज्ञान समान होता है, सब में कोई भेद नहीं होता, सब पूजनीय होते हैं। तो जो एकत्रित चैतन्य है उस सब में अरहंत भगवान विराजमान है, वहां किसी का कोई चिन्ह नहीं होता। नहीं बात समझ में आया। विजय क्षेत्र में भी तीर्थंकर सदैव विद्वान रहते हैं कि हम उनको ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अर्घ चढ़ाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि विजय क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर हैं वो साक्षात हमारे इस जीवन में हैं, उनको भी हमें नमस्कार करना चाहिए। हमने बहुत जीवन पाए और एक ये जीवन ऐसा मिला कि हम जैनपुर में जन्म लिए। जैनपुर में जन्म लेके हम धर्म में लगे और धर्म में लग के हम कहाँ पर आए, मंदिर में आए। जो मन के अंदर रहता है वो मंदिर है, और मंदिर में कौन होते हैं, भगवान। यदि हमारे मन में भगवान है तो हम मानिए सच्चे भक्त हैं। हम बाहर तो पूजा बहुत करते रहे हैं, बहुत किया, ये किया, वो किया, नाचे कूदे और बहुत धर्म किया, लेकिन असली धर्म से आप बहुत दूर रहे। जाना नहीं सच्चे धर्म को, सच्चे धर्म को पाना चाहिए, उसी में लीन होना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। जिसके जीवन में एक अध्यक्ष जी, जरा आप शांत हो जाओ, बैठ जाओ, चैन से बैठ। जिसके जीवन में धर्म बसा रहता है, एक पल भी ऐसा नहीं जाता जिसमें उसके मन में, आत्मा में, जीवन में धर्म ना हो, तो वो सम्यक दृष्टि होता है, वही मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो हमें कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में धर्म ना हो। प्रति समय बिजनेस करो, चलो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन कभी धर्म को ना छोड़ो।
जो धर्म को नहीं छोड़ता, सब काम करते हुए भी, उससे कभी कोई पाप नहीं होता, उससे कभी कोई पाप पंच परमेष्टि होते हैं। पंच परमेष्टि में नहीं, बहुत से हिस्से में बहुत ज्ञानी है, नहीं मैं तो बस सिद्धों को मानता हूँ, मैं तो सिर्फ तीर्थंकर को और अरहंतों को मानता हूँ, बाकी जो तीन परमेष्टि है मैं नहीं जानता। ऐसे ऐसे ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, उन्हें इसका मतलब पूरे नमोकार मंत्र का भी ज्ञान नहीं है। क्या नमोकार मंत्र की सिद्धि करेंगे, क्या नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जब पूरे पंच परमेष्टि को नहीं जानते तो क्या नमोकार मंत्र का उनमें श्रद्धा होगा। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत संख्या में आप इकट्ठे हुए हैं, बड़ी उमंग आपके मन में है और प्रवीण जी ने बड़ा प्रयास किया और उनका सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया, पंडित जी आए और ये विधान आपको कराएंगे। सबसे पहले तो इसमें अधोलोक के जिन चैतालों की वंदना है, फिर मध्यलोक के 458 चैतालों की वंदना है और ऊर्ध्वलोक के 184,973 सुव्रतलोक बखानों उनकी वंदना है। तो बड़े ध्यान से करिए, 10 दिनों में अपने मन को लगाइए और जो 10 धर्म में, इन 10 दिनों में जो आप पुण्य कमाएंगे उसको कभी आगे छोड़ना नहीं तो 10 दिन में जिमीकन का त्याग किया, रात्रि का त्याग किया, ये इंतजार करते रहते 10 दिन कब पूरे होंगे, हैं? 14 से अगले दिन सोचता है कब सुबह होगी, कब मैं अपना लगूंगा अपने हिले से, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने इन 10 धर्म को जीवन में लगातार बनाए रखना चाहिए, हर रोज ही 10 धर्म है। बोलिए आदिनाथ भगवान, सबका जीवन मंगल में हो, सबको रतंत्र की प्राप्ति हो, सबका जीवन शुद्ध बने, सबका जीवन धर्म में बने रहे। बोलिए आचार्य महाराज की जय। एक स्वामी श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज की जय। गुरु वचन और वचना में भैया जल्दी करो भाई, टाइम कम नहीं है।
अग्नि कुमार देव राम सर्वनाश साहब भूमि ज्वाला ज्वाला आम हम सम बम सम हाथ लगाते रहो राजा पट थोड़े से कुछ पीछे मुड़ करो कुछ थोड़े करो बट फटाफट ओम रीम सिंह शिंभू स्वाहा जय चंद्र से पूजा करो हरि नीलवाई जय चंद्र से पूजा करो ओम नीरस्ते नमः चंद्रमुपांति स्वाहा ओम सिलगंधाय नमः चंद्रमुपांति स्वाहा ओम अक्षताय नमः अक्षतमुपांति स्वाहा ओम गुंजाय नमः पुष्पमुपांति स्वाहा ओम निज्ञाने ज्योताय नमः ओम निर्दर्पमतनाय नमः नैवेद्यमुपांति स्वाहा ओम निज्ञाने ज्योताय नमः दीपमुपांति स्वाहा ओम निशुद्धूपाय नमः धूपमुपांति स्वाहा ओम ह्रीं अविश्वलप्रदाय नमः फलमुपांति स्वाहा ओम ह्रीं परमसिद्धाय नमः मालामंगल सूत्र राजीव भाई चौपरी माला मंगल सूत्र माला मंगल सूत्र कलश से एक दे दे परवीन को दे दे मंगल पूछते फिर भरता हूँ मंगल राम का दिन भक्ता श्रेष्ठ विधान आए मंगल कलश स्थापन करूंगी दीपक जलाओ दीप्तक्रम सोमदेव कम सकल सुखाकर मंगलम ओम अज्ञान कमलम दीपकम स्थापयामि रत्नत्रयात्मकंडे लोकत्रयम संकल्प पूजय स्वरूपयाम तर मंगलभाषभूते स्वस्ति भद्रम भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर् भवतु स्वाहा ध्वजारोहण क्रिया वेलायाम
शांति भक्ति कायो सरगम करो में हम नौबाट पर ये कबूल नगर वाले के अच्छा काम भी करते हैं, विधान कर लिया उपयोग अच्छा बना रहता है। चले चारों तरफ कहे के जो जेवर पहने थे वो दे दो, उसने कहना एक कुंडल ले लो,
ये तगड़ी है तो है कहाँ, कैसे पहने हैं बस, जैसे पहने वैसे ले लो। हाँ अरे आमीन, अब हाथ जोड़ लेंगे, नियम प्रतिज्ञा लेंगे। भाई देखो देव शास्त्र के साक्षी पूर्वक विधान जी की समाप्ति तक घर गृहस्थी के कार्य से निवृत्त रहने की, अवध सेवन न करने की, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। नौवाड़ों का You
एक और आएगा, अभी एक और आएगा, इधर भी वो इधर दो भी अभी आ जाएगा, आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। अरे वो कर लेंगे, कर लेंगे वो अपना।
Thank you.
Amen.
वेद मान सिर भी सिद्ध ना कर वेद प्रभु जी के गुण गाओ। अष्टमय परसुदाने को कर Thank you.
प्रभु के दर पे सोना बरस रहा है।
मैं तो वाली पाऊंगा धोती दुपट्टा पहन के आप और भूल मत जाना वहां हैं। और मैंने चलन के समान जान जाए चलने के सभी सार Oh.
समाज
हम लोग पढ़ते थे और चोरी न जारी और न माली और महामारी ना हो हुआ छिन छिन बिंदे मारे कक्ष मारा निर्माण क्या है ये सब लोग कहते थे। लेकिन जब मुकाबला हुआ पसीने छूट गए, पसीने प्राप्त हो गए माने वो इतनी खतरनाक होती है उसके छूटे जिसके जिसके आगे प्राण छूटे उसके पसीने छूटे। हाँ तो कहने का अभिप्राय है कि भव आताप निवार तसलक्षण पूजो सदा ही भगवान जो संसार के ताप हैं संसार की जो परेशानियां हैं तो कहें कष्ट हैं ये सब नष्ट हो जाए। अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ा पढ़ा था, अब हम अनुभव करके दो वर्ष में जो दौर से हम लोग गुजर चुके और आज अपने आप को भाग्यशाली मानूं कि हम पूजन करने के लिए आज बैठे हों, न इस मारी ने न इस रोग ने कोरोना ने न जात दीनी न पान न गरीब बिना बड़ा आदमी कोई भेदभाव नहीं किया। अरे जिसने लापरवाही की उसका टैग। दूसरी लहर में आप तो शहर में बैठे महानगर में, हम तो गांव में थे पेट के हाथ में, वहां देखो डॉक्टरों के यहाँ कितने महान आदमी गांव में ज्यादा खाए गांव में ज्यादा वेस्ट मारा गांव में ज्यादा हुई वो दुर्दशा हुई नहीं दिल्ली तो गांव से बनता हो गई किस बात का माने कहने का अभिप्राय है कि मैं उसको कह नहीं सकता। हम सबने अनुभव किया उस चीज को और आज पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हैं कि हे भगवान भाव आता अपने बार इसी भावना के साथ चले ओम ऐम से उत्तम समाज संरक्षण धर्माय हवा का विनाशनाय चंदन विभक्ति स्वाहा विसार कंदुल चंद समाज भोग बुरे भव रोग सतावे बैरी हैं जग जी।
जी के बेरस होए बड़े ध्यान से सुनने की बात बेरस होए विपाक समय जो भोगत लागे जी के जो भोग भोगते समय अच्छे लगते हैं जब उन कर्म का उदय आता है तो वे खराब लगते हैं तो खराब लगते हैं बेरस होए विपाक समय इस तरह से चिंतन के बिंदु हैं हमें कोई आदत है अब खाने की ऐसी आदत है तो तो आज अच्छे लग रहे हैं जब इस कर्म का उदय आएगा तब क्या करोगे विचार तो करो एक बार अब रे उत्तम क्षमा कर मंगाए नमा कम दे भगवानी दे जा अब रे उत्तम माधव धर्मंगाए नमः नहीं अगर ऐसे कर नहीं है ना ऐसे नहीं है पीरे दुष्ट एक बार मार को फिर करे धरिए क्षमा विवे ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्म गाय अत्र अवतार उत्तर समुद्धि आह्वान ओम ह्रीम करो 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 ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्म गाय अत्र तिष्ठा रहे निष्ठापकम ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म गाय अर्थवत मंत्र संदो भाव वचन सदि लबरे पुष्पाहि जलिम छुपे ओम श्री ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय जगन रमान दी स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय चंद्रम रमान दी स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय अक्षतम रमान दी स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय पुष्पम रमान दी स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय नैवेद्यम रमान दी स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय नैवेद्यम रमान दी स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय दीपम रमान दी स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय धूपम रमान दी स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय धूपम फलम निर्पांति स्वाहा ओम श्री उत्तम क्षमा धर्म मंगाय अर्घ्यम निर्पांति स्वाहा अब वो जयमाला आया की वो जयमाला कब पड़ी जाती है भाई ये माला पे जयमाला ये 30 साल पहले बार आना है आपको ये चीज ये कोरोना ने सिखा दिया भैया कल होगा दूसरे धर्म का कल होगा दूसरे धर्म का ओम रे उत्तम क्षमा धर्म मंगाय नमः ओम रे उत्तम क्षमा धर्म मंगाय नमः अमृतम क्षमा धर्म गाय नम 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 माने महाविष्णु पावय तनी सदा गौतम माधव मन मन माना मान करण को कौन ठिकाना बसन गोरी माई के तमेरु कर बाद निकालो कनेक काया भाग बस चले पे के ले गया ओ कब माचा काल हुआ भूख मिलो मेरे गया हो गर्भ संपदा गौतम नाथ
Yeah.
दर्शन बंदो सदा मन मन चित पर गाए अहो आरती भारती हम पर हो सहाय उत्तम क्षमा जहां मन होई संसार पार कर बाबा बाबा
पाप विदूर गुण ज्ञान मति हेतु में गजो करो सुख पूर। ओम नमः आदि जन पंच नमस्कार मंत्राय जय माला पुनर्गम निर्वभामि जय स्वाहा शांति शांति दारा परि पुष्पांजलि चिपेत सुख का स्थापना के लिए। हे आदि ब्रह्मा युग पुरुष पुर देव युग श्रष्टा तुमि युग आदि में इस कर्म भूमि के प्रभु कर्ता तुमि। हे प्रजा तुम ही प्रजापति नाथ मुक्ति के विधाता हो तुमि। मैं आपका आह्वान करता नाथ अब तिष्ठ हो यही। ओ प्रेम श्री आदिनाथ जिनेन्द्र श्री आदिनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वहामि।
करो भवार बुद्धि पाओ। आखिरी पूजन आज की चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।